स्कूल परिसर बना तालाब, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। नरसिंहपुर जिले के गोतेगांव विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरिया का शासकीय नवीन माध्यमिक शाला स्कूल का निर्माण वर्षों पूर्व अतरिया के नाम से ग्राम तिघरा में निर्मित किया गया था। अभी स्कूल परिसर ने बारिश के मौसम में तालाब का रूप धारण कर लिया है, जहां स्कूली बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्कूल परिसर में लगे दोनों नल चारों तरफ से बरसात के पानी से घिर चुके हैं। वहीं बरसात का दूषित पानी जमीन में सोखकर नलकूप के माध्यम से उसी पानी को स्कूल के बच्चे पी रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकता है। शासकीय नवीन माध्यमिक शाला का नया भवन बिल्कुल पानी से लबालब भर चुका है। स्कूल में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के लिए निर्मित किचन भी जर्जर हालत में पहुंच चुका है। भवन की छत से पानी का रिसाव होता है, जिससे मध्याह्न भोजन बनाने वाली समूह की महिलाओं को दिक्कतें होती है। स्कूल के सुविधा घर की दीवार पर एक स्लोगन लिखा है, जो स्वच्छता नहीं अपनाएगा वो बीमारी का घर बनाएगा। अब आप सोचे, जो स्कूल खुद स्वच्छता नहीं अपना रहा है, वो ऐसे स्लोगन लिखकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्कूल परिसर में सिर्फ पानी ही पानी है। राज इंडिया 18 के लिए संजू सिलावट, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है सर जी, देखो आप ही देखो इतने कितने खरना की गंदगी में हम खाना बना रहे हैं। अब इतने में आप ही बता दी सफाई कर, पोछा लगा, झाड़ू लगा, गीले में गोड़े से देखो हमारे यहाँ से गल गए, वहाँ भीन जा रहे लेंटर चूहा थे और नीचे जो कितनी खरना मची है, पोले हैं, चूहा कीड़ा काटो खा ले, जवाबदारी कौन की रे। चलिए ठीक है। स्कूल में सर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जैसे पानी का भराव होता है यहाँ पे। हाँ। तो एक डेढ़ फुट पानी के अंदर से बच्चों को स्कूल के अंदर जाना पड़ता है जी। और यहाँ पे बिल्डिंग भी जर्जर है, वैसे पानी टपकता है बरसात के दिनों में जी। आपने इसको लेके शासन में यानी आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत कराया है? बिल्कुल कराया सर। अच्छा, बीआरसी महोदय को, तहसीलदार महोदय को, सरपंच साहब को, सबको दिया है आवेदन इस संबंध में मैंने जी। ये जो यानी जर्जर भवन में जैसे वो महिलाएं खाना बना रही थी, उसके बारे में जानकारी दी है? वो किचन की भर नहीं बताई, बाकी पूरी बिल्डिंग परिसर की बता दी है जी। क्या नाम है सर आपका? योगेश कुमार नामदेव जी। आपका कौन सा पद है? मैं प्रभारी प्रधान पाठक हूँ यहाँ का। अच्छा अच्छा।